9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव, जहां एक ओर एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई देखी जा रही है, तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब बीजेपी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। कल घोसी में हुए उपचुनाव में बीजेपी को जो बड़ा झटका लगा, उसके बाद सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी को जो झटका लगा है वो तो लगा ही है, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में मंत्री पद की लालसा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को एक बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि मंत्री पद हासिल करने के चक्कर में दारा सिंह चौहान अपनी विधायकी भी खो बैठे। ऐसे में हर किसी की निगाहें हैं इस बात पर कि वो दारा सिंह जो राजनीति में एक अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं, आखिरकार कितनी संपत्ति के वो मालिक है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव हुआ। घोसी उपचुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इसमें से अगर बात करें बीजेपी से दारा सिंह चौहान की, तो आपको बता दें कि बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को टिकट दिया, जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया। और यहां पर अगर बात करें तो इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं दारा सिंह चौहान की। एनडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक घोसी उपचुनाव से बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के पास कुल संपत्ति जो यहां पर है वो है 4,50,86,646 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि उन पर 2 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। बता दें कि दारा सिंह चौहान का एक अच्छा खासा राजनीतिक वर्चस्व देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी के साथ जब तक दारा सिंह चौहान जुड़े हुए थे, तब तक राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी, लेकिन मंत्री पद की लालच में दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया था। हालांकि अब ना तो वो विधायक रहे और ना ही उन्हें मंत्री पद मिल पाएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से इस खास रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि आखिरकार दारा सिंह चौहान कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि इस बड़े झटके के बाद भी क्या दारा सिंह चौहान बीजेपी के साथ इसी तरह से बने रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं अपने एक गलत फैसले के चलते विधायकी भी खो दी है, और क्या बीजेपी दारा सिंह चौहान पर अपना भरोसा जता पाएगी, क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।